केलांचल टाइम्स, हर खबर पर हमारी नजर। तो इस जमीन को जो काम किया जाली पेपर बनाने वाला है सुधीर दास, वही मेन कल्पित है। विनोद सिंह के नाम से पेपर उसी ने बनवाया है। को हमारा टोटल जमीन है 10 एकड़ 88 डिसमिल, जिसमें 7 एकड़ 16 डिसमिल इन्होंने फर्जी पेपर बनाया था। इसके लिए मांग की है तो हम लोग प्रेम प्रकाश से धमकी दिलाए कि जांच उच रुकवाइए कह के। एक चोर का यहाँ इंट्रोगेशन चल रहा था, उसको ध्यान में रखते हमको उम्मीद था कि आज उनको उनकी जगह पर पहुंचाया जाएगा। तो यहाँ तो आईएएस अधिकारी छवि रंजन आए थे, तो छवि रंजन को लेके ही आए थे हम लोग। चोर आप किसको कह रहे हैं? छवि रंजन को। क्या चोरी कर लिया उन्होंने? 7 एकड़ 16 डिसमिल एक जाली पेपर के आधार पर किसी तीसरे पर्सन को वो मोटेशन कर दिए और दूसरे दिन ही उसको 4 दिन के अंदर 4 को डीड बना दिए, जो इनका अपना दोस्त है श्याम सिंह और रवि सिंह भाटिया, जिसको मैंने 3 दिन के अंदर, इतना फास्ट तो कोई सरकार काम नहीं करती है, और तुरंत मोटेशन के लिए भेज दिया हेल अंचल, लेकिन वहाँ उन्होंने रिजेक्ट कर दिया। और इस जमीन को जो काम किया जाली पेपर बनाने वाला है सुधीर दास, बहुत दिन पहले की घटना आप सुने होंगे, दला दिल्ली में 400 एकड़ का जमीन था जिसमें बहुत से गोलीबारी, 4-5 आदमी मारा था, वही मेन कल्पित है। विनोद सिंह के नाम से पेपर उसी ने बनवाया है। छवि रंजन से मुलाकात किए थे? हाँ किए थे। क्या बोले वो? बोले आप लोग ऊपर अदालत में जो करना कीजिए, हम लोग कुछ नहीं कर सकते हैं। और इवन जब हम लोग जांच के लिए मांग किए तो हम लोग प्रेम प्रकाश से धमकी दिलाए कि जांच उच रुकवाइए कह के। प्रेम प्रकाश को आप जान रहे हैं ना, जो अभी जेल में है पूजा सिंगल और सब केस में, उससे दलान में हमको प्रेम प्रकाश आके धमकी दिया कि कानूनी प्रक्रिया मत आगे बढ़िए, जांच उच मत करवाइए, नहीं तो कुछ भी हो सकता है आप लोग के साथ। हम लोग सही माने में हम लोग डर भी रहे हैं कि हो सकता है इस सब जिस टाइप का कुछ भी हो सकता है, लेकिन क्या करें, बाप का संपत्ति है, पुस्तनी संपत्ति, हम छोड़ तो देंगे नहीं। आप लोग डर नहीं लग रहा है? डर तो लग रहा है, लेकिन क्या, सरकार हमको बताएगी तो ठीक है, नहीं तो जाएंगे। कुल एराजी कितना था? क्या बोले? कुल एराजी जो है जमीन, एराजी मतलब एरिया आपको हमारा टोटल जमीन है 10 एकड़ 88 डिसमिल, जिसमें 7 एकड़ 16 डिसमिल इन्होंने फर्जी पेपर बनाया था। अच्छा, आज गिरफ्तारी हुई है, क्या बोलिएगा, क्या कैसा लग रहा है आपको? लग रहा है कि आप लोग को, आपको देखिए गिरफ्तारी तो एक सतत प्रक्रिया है ईडी का, लेकिन हमको जब तक हमारा जमीन सरकार नहीं दे देता है तब तक हम संतुष्ट। केलांचल टाइम्स, हर खबर पर हमारी नजर।